हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है आरटीडी हेडलाइट इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी कार में, और ये सेकंड वीडियो है मेरा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था यही हेडलाइट पे, मैंने एक्टिवा पे लगाया था और उसका मैंने पूरा डेमो मैंने बताया था। तो आज जो मैं इसको अपने कार पे लगाने वाला हूँ, तो कार पे लगाने का ये सब चीज़ें एक्चुअली थोड़ा सा कैसा होता है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें जब तक करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कौन सा हेडलाइट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। तो ये देखिए, ये है H4 फिटिंग और ये इसका मॉडल नंबर है A40 RTD का। RTD का एक और डुअल कलर आता था, व्हाइट प्लस वार्म व्हाइट जैसा आता था, लेकिन वो कुछ मज़ा नहीं आता है उसके अंदर। वो मैंने एक बार लगा के ट्राई किया था, लेकिन इतना कुछ खास मुझे मज़ा नहीं आया था उसमें। इसका पावर कंजम्पशन है 28 वाट, लो बीम पे है 2000 लुमेन और हाई बीम पे है 2800 लुमेन्स। इसका लुमेन्स बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिकल इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसका जो कलर टेम्परेचर है वो है 5700 केल्विन, वो वाइट का है। येलो का इन्होंने बताया नहीं है कलर टेम्परेचर क्या है, लेकिन इसका जो कलर है ना, ये एक्चुअली वाइट प्लस एम्बर आता है। इसका आउटपुट है 28 वाट है और इनपुट है 12 to 24 वोल्ट है। हम लोग इसका एक्चुअल वेटेज भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मल्टीमीटर से। तो इसको बॉक्स हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं, और ये वाली लाइट है। तो ये जो है इसको ट्विस्ट करके ये कैप निकलता है, जैसे अपने नाइट टाइम में निकलती है ना वैसा निकलता है। और इसका पोजीशन ऐसा ही होना चाहिए, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ आएगी, ऐसा इस तरफ से रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ये जो दो पार्ट है ना, ये ऐसा आगे रहेगा। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज क्या है ना, ये एम्बर कलर है। तो जो एम्बर कलर है ना, वो पीछे दिया हुआ है, हाई बीम पे दिया हुआ, हाई बीम पे उन्होंने एम्बर कलर दिया हुआ है। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है, उसका जो इफेक्ट आ रहा है ना, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और लो बीम पे इन्होंने व्हाइट दिया हुआ है, तो इस तरह से ऐसा फिट होगा। और इसका जो ये ब्लास्टर ऐसा कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, इस तरह से ये इसका ब्लास्टर है। और एक बॉक्स में ऐसी ये दो आती है, इसमें ऐसा पीछे फैन भी है। और ये ब्लास्टर के अंदर ये पूरा H4 का सॉकेट इसी के अंदर ही दे दिया है, तो वायर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया इसमें, लेकिन ये इजिली फिट हो जाता है। तो मैंने I20 में कैसा, पीछे पूरा हेडलाइट में एक ना पीछे कैप आता है कि मतलब असेंबली के पीछे, तो फिर भी ये कैसे भी करके अंदर जो है ना ये फिट हो जाता है प्रॉपर, और कैप जो है टाइट हो जाता है। तो ये ऐसा है, ये ऐसा फिट होगा, आपको वापस बता देते, ऐसा इस तरह से फिट होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है नीचे की तरफ आएगी, और ये ऐसा इस तरह से ऐसा पोजीशन आएगा। तो ये एम्बर कलर जो है ना, ये पीछे दिया हुआ, ये येल्लो भी नहीं है, ये एक्चुअली एम्बर कलर है। एम्बर बोले तो जैसे अपने इंडिकेटर का जो कलर होता है ना, वो एम्बर है, और ये आगे वाला तो व्हाइट है। जो कलर टेम्परेचर बताया था 5700, नाइट टाइम में आता है 6500 होता है, जो प्रॉपर व्हाइट आपको दिखेगा। तो ये प्रॉपर व्हाइट एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम आपको व्हाइटनेस आएगा, लेकिन अच्छा व्हाइट आएगा। इसका जो है अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसका हम लोग आउटपुट हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो एक्चुअल कितना वेटेज का इसका आउटपुट आता है। तो ये पूरा अभी सेटअप किया है, तो अभी हम लोग चेक करते एक एक करके। तो सबसे पहले व्हाइट ऑन करता हूँ, तो व्हाइट का है एम्पियर कंजम्पशन हम देखेंगे तो 1.982 ऐसा फ्लक्चुएटर, 1.98 हम लोग ले लेते हैं इसका व्हाइट का। और एम्बर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये एम्बर कलर आ रहा है, ये प्रॉपर येलो भी नहीं है, थोड़ा सा एम्बर कलर का है ये, तो आपको मोबाइल में थोड़ा सा अलग ही दिखेगा वैसे ये। तो इसका भी आता है 1.98 ऐसा कुछ आ रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अपना होता है 1.98 मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट, तो ये हो गया 23 वाट हो गया एक कलर का। और हम लोग ने यहाँ पे जो बॉक्स पे लिखा था, बॉक्स पे लिखा है 28 वाट, तो बराबर उतना ही आ रहा है ऑफिस से देखें तो 1.98 मल्टीप्लाई बाय 12 23, मतलब 24 वाट एक्चुअल कंजम्पशन आ रहा है, और बॉक्स पे लिखा है 28 है, तो ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। C6 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, ये डिफरेंस तो ठीक है। तो 1.9 मतलब 2 एम्पियर पकड़ लेते, तो 2 एम्पियर एक लाइट का एक बल्ब का, तो दोनों बल्ब लगा दिया तो मतलब 4 एम्पियर हो, तो पावर कंजम्पशन भी कम है। अभी जो है हम लोग इसका आउटपुट चेक करते, तो पहले मैं आपको ना एक आउटपुट आपको दिखा था जो मैंने एक्टिवा पे लगाया था, वो आउटपुट आप चेक करना, और उसके बाद जो मैं आपको कार का आउटपुट दिखाता हूँ, और उसके बाद अगर दोनों कंपैरिजन करके आपको पता चले कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। क्योंकि एक्टिवा में प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसका रिफ्लेक्टर इतना छोटा है ना, कि आप कोई भी बल्ब लगाएंगे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको अच्छा रिजल्ट उसमें नहीं मिलता है।
लेकिन वही बल्ब अगर आप दूसरे किसी भी बाइक में या स्कूटर में डालेंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है। तो कंपैरिजन के बाद अगर आपको ये बल्ब अगर पसंद है, आपको अगर परचेस करना है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, प्राइस भी नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे मेरे से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अभी मैं आपको जो है एक्टिवा का मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है कार का रिस्पॉन्स आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रिस्पॉन्स है अभी एक्टिवा का है, तो मैंने इसको एक्टिवा पे लगाया था, इसका एक वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो ठीक है, ओके टाइप का रिस्पॉन्स मुझे मिला एक्टिवा में, लेकिन कार में लगाने के बाद इसका रिस्पॉन्स बहुत अलग ही हो गया था। और ये इसका एलईडी का पोजीशन है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, तो इस टाइप का पोजीशन होना चाहिए एलईडी का। तो ये वाइट आगे रहेगा और एम्बर जो है पीछे की साइड पर रहेगा, तो ये ऐसा पोजीशन ऐसा प्रॉपर है ये। और अभी ये इसका रिस्पॉन्स है, तो वाइट का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, और एम्बर का जो रिस्पॉन्स है ये भी काफ़ी अच्छा लंबा जा रहा है। तो जैसा आपको एक्टिवा में दिख रहा था उससे तो ज़्यादा अच्छा इसमें कार में ज़्यादा आउटपुट आपको दिखने को मिल रहा है, और एरिया भी काफ़ी अच्छा लंबा कवर हो रहा है इसमें। तो ये प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ चीज़ें कुछ इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।